रील्स इंस्टाग्राम का एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिससे आप इंस्टाग्राम पर अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें सीखना है कि इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं और कैसे पब्लिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम रील्स बनाने का A to Z कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए आपको नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करना है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव। रील बनाने के लिए आप रील पर क्लिक करेंगे और यहां से आप बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा का यूज करके रील्स बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि पहला ऑप्शन है म्यूजिक। अपनी रील में आपको जो भी म्यूजिक ऐड करना है वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। आप कोई म्यूजिक यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे और अगर आप चाहें तो रील बनाने के बाद भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें आपको मिलता है फिल्टर्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे। अपनी रील में आपको जो भी फिल्टर अप्लाई करना है वो फिल्टर आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती है जैसे कि ट्रेंडिंग, रील्स, अपीयरेंस। जो भी फिल्टर आपको अप्लाई करना है जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी रील में अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको अपनी रील में कोई स्टिकर ऐड करना है तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने काफी सारे स्टिकर्स आ जाएंगे। इनमें से कोई भी स्टिकर आप अपनी रील में लगा सकते हैं, जैसे कि हमें ये लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से स्टिकर आपकी रील में आ जाएगा। जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद है ड्यूरेशन। आपको कितने टाइम की रील बनानी है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको लंबी रील बनानी है तो आप यहां 90 सेकेंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इससे आप 90 सेकेंड्स की रील बना सकते हैं। रील की स्पीड क्या रखनी है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप रील की स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डबल स्पीड रखनी है तो आप 2x यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल रखनी है तो 1x सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें आपको फ्रेम भी मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से अलग अलग टाइप के फ्रेम्स आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टाइमर सेट करना है कि जब भी आप इस बटन पर क्लिक करें तो एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए तो वो आप यहां से कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। कितने सेकंड्स का आपको काउंटडाउन सेट करना है वो आप यहां पर सेट कर लेंगे। अगर आपको बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से रील रिकॉर्ड करनी है तो आप इस कैमरा आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रंट कैमरा भी यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप डुअल कैमरा से रील रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा से आप अपना फेस रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैक कैमरा से आप कोई लोकेशन या प्रोडक्ट या जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिल्टर्स यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर आपकी रील में अप्लाई हो जाएगा। कोई दूसरा फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप दूसरे फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी रील में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे। जितनी देर आप इसको प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। इस तरह से आप अपनी रील को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन को छोड़ेंगे तो यहाँ पर रील पॉज हो जाएगी। इसके बाद दूसरा सीन रिकॉर्ड करने के लिए आप इसको फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप फिर से कोई दूसरा सीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारे सीन्स को आप एक ही बार में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आपको कोई सीन रिकॉर्ड करना हो तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको पॉज करना हो तो इसको आप छोड़ देंगे। इस तरह से करके आप एक काफी अच्छी रील बना सकते हैं। जब आपको लगे कि आपकी रील रेडी हो गई है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी रील कैसी रिकॉर्ड हुई है वो आप यहां पर देख सकते हैं और यहीं से आप बाकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्लिप्स को एडिट करना है तो एडिट क्लिप्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे ये क्लिप डिलीट करना है तो इसको यहां पर सिलेक्ट करेंगे, नीचे डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। रिकॉर्डिंग करते समय जितनी बार भी आप बटन को प्रेस करके रखेंगे तो उतनी ही क्लिप्स बन जाएगी। सभी क्लिप्स को आप यहां पर देख सकते हैं। किसी क्लिप का अगर आपको साइज छोटा करना है तो उसको आप यहां सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप उसका साइज छोटा कर सकते हैं। तो क्लिप को डिलीट करना, ट्रिम करना आप यहीं से कर सकते हैं। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि पहला ऑप्शन है म्यूजिक ऐड करने का। आप म्यूजिक आइकन पर क्लिक करेंगे। अपनी क्लिप में आपको जो भी म्यूजिक ऐड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से म्यूजिक आपके सामने आ जाएगा। म्यूजिक का जो भी पार्ट आपको अपने
वीडियो में ऐड करना है वो आप यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डन, म्यूजिक आपकी क्लिप में ऐड हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ म्यूजिक आइकन पर क्लिक करेंगे, इसमें आप कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे। आपकी जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है अगर आपको वो नहीं चाहिए या आपको उसकी वॉइस कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद डन, इसमें आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं और कोई साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप ऊपर टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसमें आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाते हैं, कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट का कलर क्या रखना है कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डन, टेक्स्ट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको ये टेक्स्ट रखना है इस तरह से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसका आप साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्टिकर ऐड करने हैं तो आप स्टिकर आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको काफी सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। जो भी स्टिकर आपको ऐड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे वो आपकी रील में आ जाएगा। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल क्लिप्स को ऐड किया है उनके बीच में आपको ट्रांजिशन ऐड करना है या आपको रीऑर्डर करना है तो आप एडिट क्लिप्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आप रीऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिप्स को रीऑर्डर कर सकते हैं, कौन सी आपको पहले रखनी है कौन सी आपको बाद में रखनी है। इसके बाद डन, अगर आपको इसमें कोई और क्लिप ऐड करनी है जो आपने पहले से रिकॉर्ड की हुई है तो आप ऐड क्लिप पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको ऐड करना है उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद ऐड, इस तरह से पहले से रिकॉर्ड की गई क्लिप को आप अपनी रील में ऐड कर सकते हैं। दो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इनका प्रीव्यू देख सकते हैं। जो भी ट्रांजिशन आपको अप्लाई करना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको सभी क्लिप्स पर अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे, ये सभी क्लिप्स पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको सिंगल पर अप्लाई करना है तो डन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है। आपको दूसरी क्लिप में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो ट्रांजिशन आपको ऐड करना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन। तो इस तरह से आपने जो मल्टीपल क्लिप्स ऐड की हुई है उनके बीच में आप एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशन देखने में कैसा लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अपनी रील डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ डाउनलोड आइकन पर क्लिक करेंगे, आपकी ये रील डाउनलोड हो जाएगी। और पब्लिश करने के लिए आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपनी रील का आपको कवर क्या रखना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, या तो आप अपनी रील में से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको कवर रखना है, या फिर आप गैलरी से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डन। इसके बाद आपको रील का एक टाइटल देना होगा, इसमें आप हैशटैग भी ऐड कर सकते हैं। आपने जो रील बनाई है ये किस टॉपिक में आती है, आप ऐड टॉपिक पर क्लिक करके यहाँ पर टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। जिस टॉपिक में भी आपकी रील आती है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डन। इंस्टाग्राम के साथ साथ ही अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर भी ये रील शेयर करनी है तो इसको आप ऑन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रील पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद अपने प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ रील्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी रील्स आपने पब्लिश की है। इसमें आपने जितनी भी एडिटिंग की है, ट्रांजिशन अप्लाई किए हैं, स्टिकर्स ऐड किए हैं, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।